हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज तैयारी हो रही है दावत की, यानी कि दावत की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जब दावत, कोई भी दावत स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो लेडीज़ का काम होता है वो होता है अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करना। तो मैंने भी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रख दिया था, और यहाँ मैं चिकन मैरिनेट करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकन फ्राई बनाना है। ये मेरी दावत के मेन्यू में शामिल है, तो मैंने सुबह ही ये सब मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि डिनर की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि रात की दावत है। तो इसमें से काफ़ी रेसिपीज़ मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरे आप पहले के वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ यखनी पुलाव की तैयारी हो रही है। यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने जो बीफ का गोश्त है वो ले लिया है, प्याज लहसुन और सौंफ धनिया की पोटली बांध के रख दी है, नमक डाल के इसे चढ़ा देंगे। मैं यखनी पुलाव की भी रेसिपी पहले दे चुकी हूँ आपको। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दावत हो रही है, किस चीज़ की दावत है? तो दावत है भाई, मेरे भाई आ रहे थे, उनका फ़ोन आया था, तो उनके लिए यहाँ पर डिनर तैयार हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद आ रहे थे, और यहाँ मैं कस्टर्ड खीर की आपको रेसिपी दूंगी। तो कस्टर्ड खीर के लिए मैंने यहाँ दूध चढ़ा दिया है, और उसमें चावल डालकर, जब दूध अच्छी तरीके से पक जाए, तो इलायची डाली है मैंने और चावल वगैरह डाल दिए हैं इसमें। चावल को हमें पकाना है अच्छी तरीके से, ये देखें। और जो किनारे पे कढ़ाई के ये जो दूध लग जाता है, वो भी हमें इसी में ही मिलाते चले जाना है। इससे जो खीर का टेक्सचर जो है और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। मिठास के लिए इसमें चीनी डालेंगे, और यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के कस्टर्ड ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। और उधर हमारी खीर तैयार हो रही है, और एक चूल्हे पर मैंने यहाँ रख दिया है आलू गोश्त बनने को। तो यहाँ पर यखनी भी हमारी तैयार हो गई थी, तो मैंने सीधे ही आलू गोश्त भी चढ़ा दिया था तुरंत ही। और यहाँ जब ये दूध गाढ़ा हो जाए और चावल अच्छी तरीके से पक जाए, तो इसमें कस्टर्ड मिक्स कर दें, और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश करें। माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी बनी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा आलू गोश्त भी है बनके तैयार, गरम मसाला डाल के इसे सर्व कर रही हूँ मैं। तो आलू गोश्त की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। यहाँ मैं दे रही हूँ दही वाली चटनी की रेसिपी। यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है और हरी मिर्चें ले ली हैं, लगभग अपने हिसाब से जितने स्पाइसी आपको चाहिए, और दही डालकर इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। नमक और नींबू का रस वगैरह डाल के इसे सर्व करें। और अगर कोई दावत हो और सैलेड ना बने, तो ऐसा कभी हो सकता है, तो यहाँ तैयारी हो रही है सैलेड की। तो सैलेड वगैरह भी बना के मैंने रख दिया था। तो इधर आ चुके हैं हमारे भाई। एक्चुअली ये काफ़ी टाइम बाद आए थे, इनका फ़ोन आया था, तो मैंने सोचा, ये वैसे तो मना कर रहे थे कि डिनर वगैरह हम करके आएंगे, तो मैंने कहा नहीं, इतने दिनों बाद आए हैं। तो दावत वगैरह ये तो सब बहाना होता है, बस गेट टुगेदर हो जाता है इसी बहाने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। छोटी छोटी सी जो खुशियाँ हैं वो मिल जाती हैं इंसान को। आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहना चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी बड़े खुश हो गए थे अपने मामा को देखकर। तो फ्रेंड, डिनर का टाइम हो गया था, और मैं यहाँ चिकन फ्राई कर रही हूँ, और साथ में बिरयानी भी मैं सर्व कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं अब लगा दूँगी टेबल पर। तो आज मैं आपको मिलवाऊँगी अपने ससुर जी से। एक्चुअली सभी लोगों से आप मिल चुके हैं, मेरी पहले की वीडियो में काफ़ी लोगों से मिले हैं बस, और आज तक मेरे ससुर जी से आप नहीं मिल पाए हैं। तो मैंने सोचा, आइए आज आपको अपने ससुर जी से भी मिलवा लेते हैं।